दोस्तों, लंबे समय से चलते आ रहे भारत और ब्राजील के बीच चीनी इंडस्ट्री के विवादों पर अब फुल स्टॉप लगता दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत करता जा रहा है, तो वहीं इन बढ़ते संबंधों के चलते ब्राजील भारत को कुछ ऐसी अद्भुत तकनीक ऑफर कर रहा है जिससे कि भारत के पॉल्यूशन फ्री कंट्री बनने का बरसों पुराना सपना अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस तकनीक से भारत की तेल जरूरतें 50% से कम हो जाएगी, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी तकनीक ब्राजील भारत को देने जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत और ब्राजील चीनी इंडस्ट्री पर अपने लंबे समय से चलते आ रहे विवादों को अब निपटाने जा रहे हैं, जिसके तहत दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील इथेनॉल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने का एक बड़ा ऑफर भारत को दे रहा है। और ये डेवलपमेंट दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के बाद निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस समय एथेनॉल टेक्नोलॉजी का ये ऑफर भारत के लिए एक तरह से काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम ईंधन के साथ मिश्रण और गतिशीलता में अकेले उपयोग के लिए बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। ब्राजील का कहना है कि वह हमें इथेनॉल नामक एक विशेष ईंधन भारत को बनाना सिखाएंगे, जो कि एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें बेहतर तरीके से ईंधन बनाने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें, ब्राजील सुगर केन यानी कि गन्ने और इथेनॉल का एक काफी बड़ा प्रोड्यूसर है। वहीं पर ये इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन में भी लीड पर है, और इसने 25% का स्तर ऑलरेडी हासिल कर लिया है। तो वहीं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो गैसोलीन या इथेनॉल पर चल सकते हैं, उन व्हीकल्स ने अब ब्राजील में एक बड़े बाजार पर कब्जा कर लिया है, जो साल 2022 में नए और हल्के वाहन की बिक्री का 83% था। तो वहीं भारत का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक पेट्रोल को 10% से बढ़ाकर 20% इथेनॉल के साथ मिक्स किया जाए। साथ ही साथ इथेनॉल के साथ डीजल मिश्रण का भी एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस समय दुनिया भर की कार कंपनियां ऐसे वाहन बना रही है जो डिफरेंट टाइप के ईंधन पर चल सके। और वहीं हमारे भारत में सड़क और राजमार्ग के प्रभारी मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश में ऐसी पहली कार पेश की जो बिजली और गैसोलीन जैसे विभिन्न प्रकार के ईंधनों का इस्तेमाल करके चल सकती है। वहीं पर इस कार को टोयोटा ने बनाया है। देखा जाए तो यह ऑफर भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पेट्रोल और तेल की वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, जिसे कम करने के लिए भारत सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी और इथेनॉल टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों पर बढ़ चढ़ कर काम करना चाहती है। और ऐसे में अगर ब्राजील भारत को इथेनॉल टेक्नोलॉजी दे दे तो उसे भारत की तेल जरूरतें भी की 50% से कम हो जाएंगी। साथ ही साथ पेट्रोल से होने वाले हानिकारक पॉल्यूशन से भी भारत को काफी राहत मिल सकती है, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राजील जहां दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, तो वहीं भारत भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर देश है। WTO में भारत ने ब्राजील की चीनी सब्सिडी को यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि वे वैश्विक चीनी बाजार को डिस्टॉर्टेड कर रहे हैं और भारतीय चीनी प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्राजील को अपनी चीनी सब्सिडी कम करने की आवश्यकता पड़ गई, जिसके बाद साल 2019 में ब्राजील ने गन्ना उत्पादकों के लिए भारत के समर्थन उपायों और चीनी के लिए निर्यात सब्सिडी को चुनौती दी। और ब्राजील ने दावा किया कि ये उपाय WTO के कृषि समझौते यानी कि AOA के साथ इनकंसिस्टेंट थे, जिसके बाद भारत और ब्राजील के विवाद काफी ज्यादा बढ़ते नजर आए थे। लेकिन वहीं अब भारत लैटिन अमेरिका के साथ जिस तरह से अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं भारत और ब्राजील ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में चीनी से रिलेटेड व्यापार विवाद को म्यूचुअल रूप से सुलझाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। वहीं पर अब ब्राजील भारत को इथेनॉल की टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे समझ में आता है कि भारत और ब्राजील अब अपने सारे विवादों को सुलझाने के साथ ही अपने रिलेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ब्राजील के इस ऑफर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।